हाय रे हाय गिरियो गले। नमस्कार, मैं हूं कमल नयन और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री भारत। आज हम एक ऐसे घाटी का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, पूरी इस वीडियो को दिल थाम के देखिए। ये घाटी पड़ता है दोस्तों गया जिला के अत्री विधानसभा के चक्रा पंचायत में, और यहाँ के अभी जो वर्तमान विधायक है रंजीत यादव है, इनके पिताजी राजेंद्र विधायक ने इस घाटी को दोस्तों तुड़वाया था। क्योंकि इधर का जो भी किसान मजदूर थे, जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। जाते कहाँ थे, तो बथानी साइड पर पहले मेला लगता था, आज भी मेला लगता है, लेकिन पहले की स्थिति जो है ना, ज़्यादा गरीबी थी। आज के वक्त में थोड़ी सी सुधरा है, तो इसके चलते दोस्तों पहले का जो लकड़ी बेचने के लिए जो माथा पर लेकर के जाते थे, वो काटा कुसा देकर लेकर के जाते थे, मतलब रास्ता नहीं था। राजेंद्र विधायक एक लौह पुरुष बोला जाता है उनको, और अपने क्षेत्र में अत्री विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किया है उन्होंने, तो उस घाटी को उन्होंने पोपलिन के द्वारा ये दोस्तों तुड़वाया, और काफ़ी समय लगा उस घाटी को तुड़वाने में, महीनों दिन लग गया। तुड़वाने के बाद दोस्तों आम जनता को जाने के लिए सुविधा है जो दोस्तों हो गया, पहले गाड़ी भी पार हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी है जो पड़ा है, इसके चलते है जो अब परेशानी है जो उठाना पड़ रहा है यहाँ के जनता को। यहाँ की जनता जाते थे आपको पटना, खुदागंज, इस्लामपुर ऐसे दिखकर है जो जा सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ चक्रा पंचायत की जनता अपने माथे पर लकड़ी लेकर के बथानी और आपका साइड पर लेकर के जाते थे, और अभी भी कुछ लोग हैं जो जाते हैं, जहाँ पानी से काफ़ी ज़्यादा रास्ता है जो उबड़ खुबड़ है सो हो चुका है, इसके चलते है जो अब है जो फोर व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह अब है जो पार नहीं हो पाता है। अब मैं यहाँ के माननीय सांसद जो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो सांसद बने हैं जहानाबाद क्षेत्र से, उनके ही क्षेत्र में आता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहले नंबर आप इस वीडियो को देखिए। ये पहला आप रूट जो देख रहे हैं, चढ़ाई जो चढ़ रहे हैं कुछ महिला हैं, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा खड़ा है। उसके बाद आप आगे के वीडियो में देखिए दोस्तों कि किस तरीके से मोटरसाइकिल लेकर के एक उसको उतर रहे हैं। उसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, एक टर्निंग है, टर्निंग के पास काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सीडेंट वगैरह होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे नौसिखिया लोग जब मोटरसाइकिल लेकर के चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं, तो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है जो मीडियम में नहीं लेता है, हल्का फल्का ज़्यादा ही पड़ जाता है, तो कुछ लोग गिर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। जय 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 जय। देख लीजिए किस तरीके से लोग चढ़ रहा है एकदम। हाय रे हाय गिरियो गले, वही को ले भी गा गया। कैसे गिर गए जी? लीजिए भिगा गया। सब गिर गया।
लगा भाई नुमा फूट गया जी। हैं धुरिया में लटा के लेना ये वाला टूट गया जी। साहब रास्ता ये तो ये थी पूरी घाटी दोस्तों, जो मैं आपको पूरी हैसियत दिखाने का काम किया हूँ। और यहाँ का जो माननीय सांसद है, मैं आपसे बोलूँगा कि इस घाटी को पुनः है जो निर्माण करवाया जाए, यहाँ पे रोड है सो बनाया जाए, ताकि यहाँ की जनता को आने जाने में जेठियन से घूर करके टेटुआ जाना पड़ता है, और किसी को राजगीर जाना पड़ेगा तो कुछ शॉर्ट है जो दोस्तों पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल है जो राजगीर जाने का रास्ता है जेठियन से होते हुए बनगंगा की ओर राजगीर जाते हैं। यदि ये घाटी अच्छे तरीका से बन जाता है, रोड बन जाता है, तो यहाँ की जनता जो चकरा पंचायत की जो जनता है वो राजगीर खुदागंज और पटना जाने की रास्ता इनको कुछ दूरी है जो कम पड़ेगा। तो यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनसे भी मैं बोलूँगा कि इस घाटी के बारे में आप पुनः है जो सोचिए। आपके पिताजी इस घाटी को है जो तुड़वाए थे, काफ़ी जनता की परेशानी होती है। सांसद महोदय जी से भी मैं बोलना चाहूँगा कि इस घाटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ की जो जनता है उनको सुविधा है सो मिल सके। बाकी इस वीडियो का आप देख रहे थे फ्री भारत पर, मेरा नाम कमल नयन हुआ। फेसबुक पेज पर वीडियो को देखे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।